हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट सेकेंड में से हम आज टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या नियमितिक अनुबंधन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग या नियमितिक अनुबंधन किसे कहते हैं और इसके कौन से टाइप्स हैं उसको हमने स्टार्ट किया था। टाइप्स में हमने जो फर्स्ट इसका टाइप था पुरस्कार नियमितिक अनुबंधन या रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग उसको मैंने समझा दिया था। एक बार फिर से आपको रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसे कहते हैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ। विद्यार्थियों, जब किसी भी रिस्पॉन्स को करने पर आपको कोई रिवॉर्ड या पुनर्बलन मिलता है और वह पुनर्बलन किस फॉर्म में होगा या रिइंफोर्समेंट किस फॉर्म में होगा, रिवॉर्ड के फॉर्म में, तो आप उस अनुक्रिया को वापस दोहराएंगे। यही हमने रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक एक्सपेरिमेंट जो है वह चूहे पर किया गया, जिसमें जब उसे रिवॉर्ड दिया जाता तो वह लीवर दबाता, तो उसने लीवर दबाने की प्रक्रिया रिवॉर्ड देने पर सीख ली। आज हम जो इसके नियमितिक अनुबंधन के दूसरे जो टाइप्स हैं उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेकंड टाइप जो है वो है अवॉइडेंस कंडीशनिंग या परिहार अनुबंधन। विद्यार्थियों, अवॉइडेंस या परिहार का मतलब है कि हम इस अनुबंधन में क्या कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की। हम ये कोशिश करते हैं कि हम इस प्रकार की कोई अनुक्रिया करें जिससे कि हमें दंड से बचाव हो सके। तो परिहार अनुबंधन में हम प्राणी को दंड से बचना सिखाते हैं। इन अवॉइडेंस कंडीशनिंग We try to learn avoid punishment. अगर प्राणी इस अनुबंधन में एक खास समय के भीतर अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कर देता है तो उसे दंड नहीं मिलता है, और यदि वह अनुक्रिया नहीं कर पाता है तो उसे दंड या पनिशमेंट मिलता है। परिहार अनुबंधन में सिरमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था रखी या एक ऐसी कंडीशन बना के रखी कि यदि रैट लीवर को 20 सेकंड के अंतर्गत नहीं दबाता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत करंट जो है वह लगेगा, विद्युत आघात जो है उसे लगेगा। तो अगर उसे दंड से बचना है तो उसे 20 सेकंड में लीवर को प्रेस करना होगा या दबाना होगा, और उन्होंने यह पाया कि चूहे ने 20 सेकंड में ही लीवर को दबाना सीख लिया। तो परिहार अनुबंधन या अवॉइडेंस कंडीशनिंग में प्राणी को दंड से बचना सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशनिंग है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नेक्स्ट जो टाइप है वह है पलायन या मुक्ति अनुबंधन, जिसे हम एस्केप कंडीशनिंग भी कहते हैं। इस कंडीशनिंग में विद्यार्थियों एक स्पेशल तरीके का शटल बॉक्स जो है वह इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लिया जाता है। इसमें इस शटल बॉक्स में दो कक्ष होते हैं और दोनों कक्षों के बीच एक दरवाज़ा होता है जिसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि यदि प्राणी चाहे तो इसे लांग कर दूसरे कक्ष में जा सकता है, और कक्ष की जो सतह होती है, जो उसका फ्लोर है, उस पर स्टील का जो छड़ होती है वह बना होता है, उसके द्वारा कुत्ते को
हल्का शॉक दिया जाता है, मतलब कि शॉक हो गया इलेक्ट्रिक करंट से या विद्युत आघात दिया जाता है। जिस कक्ष में कुत्ते को रखा जाता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती, परंतु जब कुत्ते को पीड़ा होती है तो वह इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पलायन करना चाहता है, वह उस जगह से अपने आप को बचाना चाहता है और उसके लिए उसे दूसरे कक्ष में दरवाज़ा लांग कर पहुँचना होता है। तो जहाँ विद्युत आघात नहीं होता है कुत्ता वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है और इसके लिए उसे जो बीच में दरवाज़ा है उसे लांगना पड़ता है। तो इस प्रकार अनेक प्रयास किए जाते हैं और अंत में कुछ प्रयासों के बाद जो कुत्ता है वह पीड़ादायी उद्दीपक, जिसे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट कहा है, के प्रारंभ होते ही नैमित्तिक अनुक्रिया करता है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो दूसरा कक्ष है उसमें कूद जाता है। तो इस प्रकार प्राणी दंड से बचने के लिए या दंड से पलायन करने के लिए दूसरे कक्ष में चला जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशनिंग है वह है ओमिशन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या विलोपन अनुबंधन। नेक्स्ट कंडीशनिंग विलोपन अनुबंधन है। विलोपन अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया या जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स हम प्राणी से करवाना चाह रहे हैं उसके ना करने पर घनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट को हटा लिया जाता है। पुनर्बलन को हटाने से उस अनुक्रिया की संभावना जो है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे घनात्मक जो पुनर्बलन है वह नहीं देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यदि बच्चा जो है वह गाली देना सीख जाता है तो उसे गाली देने पर हम उस दिन जो घनात्मक पुनर्बलन है, जैसे कि बच्चों के लिए टॉफ़ी या मिठाई जो है, हम उस दिन उसे नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम जो घनात्मक पुनर्बलन है वह हटा रहे हैं या उसका विलोपन कर रहे हैं। तो विलोपन करने की वजह से जो बच्चा है उस अनुक्रिया को वापस नहीं दोहराएगा यदि उसे रिवॉर्ड चाहिए तो। तो यहाँ पर हम यह बता रहे हैं कि विलोपन अनुबंधन में घनात्मक पुनर्बलन को हटा लिया जाता है जिससे कि वह पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया को धीरे धीरे भूलने लगता है, परंतु यदि वह अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को वापस कर देता है तो हम उसे घनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है वह नहीं देते हैं। विलोपन अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स में पहले पुरस्कार या भोजन देकर हम चूहे को लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है या रिस्पॉन्स है उसको करना सिखाते हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि में हम परिवर्तन करते हुए चूहे को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं देते, बल्कि जब वह लीवर नहीं दबाता है और उसके आसपास घूमता है तभी उसे भोजन दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कई बार दोहराने के बाद चूहा धीरे धीरे लीवर ना दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है तथा
लीवर दबाने की अनुक्रिया को करना छोड़ देता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि विलोपन या ओमिशन कंडीशनिंग में जब प्राणी किसी अनुक्रिया को करना बंद कर देता है, तब उसे पुनर्बलन या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है वह दिया जाता है। नेक्स्ट अनुबंधन और लास्ट अनुबंधन है पनिशमेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या दंड अनुबंधन। दंड अनुबंधन में हम किसी व्यवहार या अनुक्रिया या रिस्पॉन्स के होने पर दंड देते हैं ताकि प्राणी वह अनुक्रिया या व्यवहार पुनः घटित ना करे। जैसे यदि पेरेंट्स या अभिभावक के सामने बालक गाली देता है तो ऐसा करने पर उसे थप्पड़ लगाने एक दंड अनुबंधन है। इस पर कबूतर पर प्रयोग किया गया है। इस प्रयोग में कबूतर द्वारा डिस्क जो होती है, एक डिस्क होती है जो कबूतर को के सामने रखी जाती है, उस पर चोंच मारने पर यदि भोजन के स्थान पर हम विद्युतीय आघात लगाते हैं तो विद्युतीय आघात पीड़ादायक होने के कारण नकारात्मक पुनर्बलन बन जाता है। और यहाँ जो एक्सपेरिमेंटर है या जो ट्रेनर है उसका उद्देश्य चोंच मारने की अनुक्रिया को दुर्बल बनाना होता है या जो चोंच मारने की कबूतर की अनुक्रिया है उसको कम करना होता है। तो विद्यार्थियों, आप देखिए दंड और परिहार अनुबंधन में अंतर है। दंड प्रशिक्षण में या दंड अनुबंधन का जो ट्रेनिंग है उसमें अनुक्रिया होने पर, जब वह प्राणी कोई अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है उस पर उसे हम नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही जो कबूतर है वह यदि डिस्क पर चोंच मारता है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युतीय आघात देते हैं। जबकि जो परिहार अनुबंधन है, परिहार या अवॉइडेंस जो कंडीशनिंग है उसमें अनुक्रिया घटित नहीं होने के कारण वहाँ पर जो है, अगर जो पर्टिकुलर टाइम आपको दिया गया है उसमें प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन जो कि इलेक्ट्रिक शॉक है वह दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के जो टाइप्स थे उसका अध्ययन किया और उस पे जो प्रयोग किए गए हैं उसका भी अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।